नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसा कि कल 22 नवंबर था और कल के दिन बिहार में एक कैबिनेट मीटिंग हुई, जिस मीटिंग से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को काफ़ी उम्मीद थी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के हित में कुछ बातें की जाएगी उस मीटिंग के दौरान, लेकिन उस मीटिंग में सेविका सहायिकाओं के हित में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई, ना ही मानदेय बढ़ाने को लेकर और ना ही जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो चयन मुक्त हुई हैं उनको लेकर। तो इससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें काफ़ी नाराज़ हैं और कल के दिन ही पटना में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के जो महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, उनके द्वारा भी एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग के दौरान जो बातें कही गई उसका एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, तो चलिए उस लेटर की ओर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी समझाते हैं कि इस ऑफिशियल लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल लेटर की ओर। तो जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का जो ऑफिशियल लेटर है वो हमें प्राप्त हो चुका है। जैसे कि इस ऑफिशियल लेटर में आंगनबाड़ी मानदेय से जुड़ी ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई है, ना ही आंगनबाड़ी चयन मुक्त को लेकर कोई बात कही गई है। ये लेटर किसी अलग ही संबंध में है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे 22/11/2023 का ये लेटर जारी हुआ है, सेवा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना। तो ये जो संघ के लोग हैं उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ये लेटर भेजा है और इस लेटर का जो मुख्य विषय है वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चुनावी कार्य से तत्काल मुक्त करने के संबंध में। तो जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि वीडियो साहब के द्वारा जो सेविका सहायिकाएं हैं उनकी एक मीटिंग की गई थी, जिस मीटिंग के दौरान उनको चुनाव कार्य पर लगाने के लिए उनको जोर दिया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुरंत सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं वो वापस आ जाएँ, और उसी को लेकर ये लेटर जारी किया गया है। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, महाशय विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 सितंबर 2023 से बिहार की सेविका सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। इसके बावजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को चुनावी कार्य में भाग लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। साथ में यह भी उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बार बार सभी विभागों और जिला पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता रहा है कि सेविका सहायिकाओं को ICDS के निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य में नहीं लगाया जाए, तथापि सभी सरकारी कार्यों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मी की भांति करते हैं। निर्वाचन आयोग का सम्मान करते हुए सेविका सहायिका निर्वाचन कार्यों में भी अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, परंतु अभी संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत उचित अधिकारों के लिए हड़ताल में है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को तत्काल चुनावी कार्यों से मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाए। तो ये जो लेटर है वो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजा गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़तालरत हैं उनको अभी चुनाव कार्य पर नहीं लगाया जाए। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं, जो अध्यक्ष हैं रंजना कुमारी, और जो यहाँ पे राज्य सचिव अनीता झा हैं, यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पे है कि जितने भी संघ के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि अभी सभी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर हैं उनको चुनाव कार्य पर नहीं लगाया जाए। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये संघ का लेटर आपको कैसा लगा, जो चुनाव कार्यों को लेकर ये जो निर्वाचन आयोग को ये लेटर भेजा गया है, इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।